हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल नॉक नॉक एआर एजुकेशन। सो ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 जो 2021 के एग्जाम में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है ग्रुप 3 के सेक्शन से। सिंपल सा क्वेश्चन एकदम, जो कि आपका 1 मार्क्स में पूछा गया है सेक्शन ए में। देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, ठीक है। सो सॉल्यूशन अपने पास क्या होगा इस क्वेश्चन का, अपने को निकालना है इस क्वेश्चन को कि हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप Z50 हैव ऑर्डर 10। मतलब ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट्स होने वाले हैं Z50 ग्रुप के पास। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना अपने पास। उससे पहले अपन लोग यहाँ पे एक नोट पॉइंट डालते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर के इन Zn इज phi of k इफ k डिवाइड्स n एंड 0 इफ k डज नॉट डिवाइड्स n। सिंपल सी बात होगी ना। मतलब अपने पास अगर ये k जो होगा वो डिवाइड करेगा इस n को, तो भैया अपने पास ये phi of k हो जाएगा। अगर डिवाइड नहीं करेगा तो अपने पास 0 एलिमेंट होंगे उस ऑर्डर के। अब जरा आप देखो ध्यान से कि यहां पर अपने पास ये वाला k सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये जो 10 है वो डिवाइड कर रहा है 50 को। 10 डिवाइड 50 मतलब अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z50 अपने पास कितना होगा, phi of 10 होगा। तो यहां पर डाल दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10 इन Z50 इज इक्वल टू phi of 10। अब बात आती है कि इस phi of 10 को कैसे सॉल्व किया जाए। ये अपने पास अदर फंक्शन है, तो इसको निकालने के लिए अपन लोग phi of n इज, हमें क्या करना पड़ेगा, इस n को ब्रेक करना पड़ेगा इन टर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो p1 की पावर m1, p2 की पावर सम m2, p2 p3 की पावर m3 एंड सो ऑन। जहां पे p1 p2 p3 अपने पास क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स है। और बताइए यहाँ पर अपने पास n क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। और जब हम इस 10 को ब्रेक करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 कर सकते हैं, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। P1 क्या अपने पास यहाँ पे 2 है, एंड P2 अपने पास क्या है यहाँ पर 5 है। दोनों ही डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है, मतलब कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। तो phi ऑफ n कैसे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, n मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2 एंड सो ऑन, ठीक है। सो अपने को निकालना क्या है, phi ऑफ 10 निकालना है। सो 10 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5। सो 10 से 10 कैंसिल, तो अपने पास कितना आया 4। इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 10, ऑर्डर 10 के अपने पास कितने एलिमेंट होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे Z50 के अंदर, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऐसे ही आपको PYQs के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए जितना हो सकता है। ऐसे ही आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, एंड थैंक यू सो मच।